ये आज सवेरे जनपद बागपत के थाना बड़ौत पर एक सूचना आई कि आदिश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनकी रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है। उनके बेटे ने जब ये सूचना दी, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की शॉर्ट सर्विलांस और चार टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे, इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमरास में आई हैं। इसमें यूपी एसटीएफ की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी कर लेंगे। अभी इनके बेटे द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल पश्चिम तरफ से कुछ आया, किसकी तरफ से फिलहाल कोई पूछताछ में सामने आया? अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई है इसमें? अभी 8 टीमें जनपद की तरफ से और यूपी स्टेट की टीम से भी अनुरोध किया गया। सीसीटीवी वगैरह में सर कुछ सामने? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीसीटीवी सारे ट्रैक करें जिसमें अपहर्ता का मूवमेंट भी ट्रैक हो सके और बाद में संदिग्धों का मूवमेंट ट्रैक कर सके। ठीक है, ये आज सवेरे जनपद बागपत के थाना बड़ौत पर एक सूचना आई कि आदिश जैन नाम के एक व्यापारी का अपहरण करके उनकी रिलीज के लिए फिरौती मांगी गई है। उनके बेटे ने जब ये सूचना दी, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर मेरे साथ बाकी यहाँ की शॉर्ट सर्विलांस और चार टीमें अन्य यहाँ पर लगी हुई हैं। हम इसमें ट्रेस कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे जब ये निकले थे, इनका मूवमेंट किधर की तरफ था और कुछ संदिग्धों के मूवमेंट्स के कहते हैं आसपास के सीसीटीवी कैमरास में आई हैं। इसमें यूपी एसटीएफ की टीम को से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी इसमें हमारा सहयोग करें। हम जल्द से जल्द अपहर्ता की बरामदगी कर लेंगे। अभी इनके बेटे द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल पश्चिम तरफ से कुछ आया, किसकी तरफ से फिलहाल कोई पूछताछ में सामने आया? अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी टीमें लगाई गई है इसमें? अभी 8 टीमें जनपद की तरफ से और यूपी स्टेट की टीम से भी अनुरोध किया गया। सीसीटीवी वगैरह में सर कुछ सामने? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सीसीटीवी सारे ट्रैक करें जिसमें अपहर्ता का मूवमेंट भी ट्रैक हो सके और बाद में संदिग्धों का मूवमेंट ट्रैक कर सके। ठीक है, ये घटना हुई है, क्या मामला? सुबह अपने बड़ौत के प्रसिद्ध व्यापारी आदिश कुमार जैन जी के अपहरण की सूचना मिली है। उसके बाद में हम सब लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी पहुँची। लगातार व्यापारी वगैरह में घटना हो रही। पहले प्रदीप पात्रे जी की हत्या हुई, अब आदिश जी का अपहरण हुआ। ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। हाँ, उनके लड़के के फोन पर 6:03 पर सुबह फोन आया, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। अच्छा, कहाँ गए थे ये? अपने गोदाम पे गए थे, इनकी दुकान है बाजार में। सुबह यहाँ से 5 बजे को गाड़ी आई थी, उसे उतरवाने के लिए गए थे और वहाँ तक नहीं पहुँचे। थैंक यू।